दिलचस्प और गजब जानकारी के वीडियोस रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है YouTube चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों, विमान से सफर करना किसी को पसंद नहीं है। विमान से सफर करने का मजा काफी अलग होता है। इसी के साथ आपने दोस्तों एयरपोर्ट पे देखा होगा कि वहां की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। आपको वहाँ चेकिंग पॉइंट पर चेक किया जाता है, आपके लगेज चेक किए जाते हैं, बैग्स चेक किए जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको चेकिंग पॉइंट के आगे पानी की बोतल लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एयरपोर्ट पर चेकिंग पॉइंट के आगे आपको पानी की बोतल लेकर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती है। देखिए दोस्तों, बेसिकली आपके खुद की पानी की बोतल फ्लाइट में लेकर नहीं जा सकते हो, इसलिए दोस्तों आपको एयरपोर्ट पे चेकिंग पॉइंट पे ही रोका जाता है और आपको चेकिंग पॉइंट के आगे पानी की बोतल लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। दोस्तों, चाहे तो आप खाली बोतल लेकर जा सकते हो, लेकिन पानी से भरी हुई बोतल आप लेकर अंदर नहीं जा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको पानी की बोतल लेकर जाना हो तो आप अंदर जाकर नई बोतल ले सकते हो। दोस्तों, ये हमारे सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति विस्फोटक चीज़ें लिक्विड के रूप में लेकर जा सकता है, इसलिए दोस्तों वहाँ हमें रोका जाता है और बताया जाता है कि आपको ये बोतल आपको फेंकनी होगी या तो आपको खाली बोतल लेकर जाना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम पानी की बोतल लेकर जाते हैं तो हमारे बोतल में पानी है या कोई विस्फोटक चीज़ है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस झंझट को ही मिटाने के लिए आपको चेकिंग पॉइंट के आगे पानी की बोतल लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलकायदा इस आतंकवादी संगठन के अटैक को रोकने के बाद इस रूल को जारी किया है और इस रूल को दुनिया भर के सभी एयरपोर्ट में लागू किया है। दोस्तों, जब अमेरिका के अधिकारियों ने जब विजिट किया जहां पर विस्फोटक बनाए जाते हैं, तब उन्होंने वहां नोटिस किया कि हाइड्रोजन बॉम्ब लिक्विड के फॉर्म में रखे गए थे और तब से हाई अलर्ट जारी किया और एयरपोर्ट पे चेकिंग पॉइंट पे ही आपको रोका जाता है और आपको फ्लाइट में आपके खुद की बोतल लेकर जाने की पाबंदी लगाई गई। तो दोस्तों, क्योंकि ये सबके लिए खतरा हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति विस्फोटक चीज़ें लिक्विड के फॉर्म में लेकर जाता है तो सभी के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।